और इसी बीच आपको बता दें, नवाब मलिक ने आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर समीर वानखेड़े को निशाने पर लिया और ये कहा कि वो जो क्रूज पार्टी हो रही थी उसमें कई सवाल उठते हैं, कितने लोग वहां पर मौजूद थे, क्या किसी की चेकिंग हुई या सिर्फ टारगेट किया गया आर्यन खान को। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि वहां पर एक दाढ़ी वाला शख्स भी मौजूद था, वो समीर वानखेड़े का दोस्त है और उसके बारे में भी समीर वानखेड़े को स्पष्ट करना चाहिए। अगर समीर वानखेड़े इसको लेकर स्पष्ट नहीं करते हैं तो वीडियो भी नवाब मलिक के पास है, वो वीडियो भी वो आगे आने वाले दिनों में जारी करेंगे। तो पूरे खेल में वो दाढ़ी वाला कौन है, ये सवाल आज इस मंच से नवाब मलिक रख के गए। और इसी खबर पर हम बने हैं, कुछ और सवाल भी इससे जुड़े हुए उठते हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे बहुत जल्द, आप देखते रहिए आज।